अंडर 300 मीशो के जो रेट है ना वो बदलते रहते हैं बहुत जल्दी जल्दी। इन कमाने के तरीके हैं, मुझे खुद भूल जाती हूँ थोड़े टाइम के बाद कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया। आइसक्रीम मास्क मुझे मिला है इसके साथ। जब तक आप अपने हाथों से इसको रिजेक्ट नहीं, हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा वर्मा व्लॉग। सो गाइस कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में एकदम अच्छे होंगे, अच्छे रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा। तो गाइस आज मैं लेकर आई हूँ एक और अनबॉक्सिंग, लेकिन इस बार जो मैं अनबॉक्सिंग लेकर आई हूँ वो मैं लेकर आई हूँ मीशो हॉल की। तो गाइस मीशो हॉल की अनबॉक्सिंग में लेकर आई हूँ, बट मेरा एक टारगेट था, मैंने शॉपिंग करने से पहले एक टारगेट रखा था कि मुझे कोई भी चीज 500 से ऊपर परचेस करनी ही नहीं है। मेरा टारगेट था 500 रुपीज, सिर्फ 500 रुपीज, बट मैंने अपने टारगेट को भी पीछे छोड़ दिया। मुझे जो सामान मिला है मीशो से वो मिला है सिर्फ और सिर्फ अंडर 300, सिर्फ 300 अंडर मुझे सामान मिला है गाइस। तो वो अनबॉक्सिंग में शेयर करूंगी फिर से आप लोगों के साथ। बढ़ते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। आगे बढ़ने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और जो रेड कलर का जो नीचे घंटा आ रहा है ना उसको जरूर दबा देना, घंटी घंटा जो भी है उसको जरूर दबा देना, ताकि मेरा कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए, नेक्स्ट व्लॉग आए, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन चला जाए और तुरंत आप मेरा व्लॉग देख लें। चलते हैं आगे अनबॉक्सिंग की तरफ। तो गाइस फिर से हम स्टार्ट करेंगे अनबॉक्सिंग अपनी सबसे छोटे पैकेट के साथ। तो छोटे पैकेट एक्चुअली मेरे पास सेम दो हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा इनमें से छोटा कौन सा है, दोनों इक्वल है। तो पहले मैं इसको अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ और अनबॉक्सिंग करते टाइम मैं इसका जो भी रेट रहेगा, जो भी इसका प्राइस रहेगा, मैं जरूर आपके साथ शेयर कर दूंगी। स्क्रीन पे यहाँ पर शो हो जाएगा आपके पास। और गाइस आपको अगर परचेस करना हो, आपको पसंद आए तो आप ले लीजिएगा, बाकी मुझे पता नहीं है क्योंकि मीशो के जो रेट है ना वो बदलते रहते हैं बहुत जल्दी जल्दी। अब मेरे साथ ऐसा हुआ हुआ है, मैंने जो चीज पहले ली है वो मुझे सेम रेट पर कभी भी नहीं मिली है। मीशो ऐसे ही करता है, कभी कभी मीशो बहुत टॉक्सिक हो जाता है, बट कभी कभी मीशो बहुत दिल खुश कर देता है। तो अभी इसमें से निकला है इसमें मुझे गाइस कैश बैक का रिवॉर्ड मिलेगा 50 रुपीज का, अगर मैं इसको 5 रेटिंग देती हूँ। तो ये रेटिंग कमाने के तरीके हैं, मुझे 50 रुपीज का कैश बैक मिल जाएगा अगर इसको मैं 5 स्टार रेटिंग दे देती हूँ। तो अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं करूंगी, पहले मैं प्रोडक्ट देखूंगी, अगर मुझे जेन्युइनली पसंद आएगा तो मैं इसको रेटिंग दूंगी। तो ओपन करती हूँ। ओ वाओ, ये एक्चुअली मैंने मंगवाया था अपना, गाइस ये ना मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैंने अपना एक प्रोडक्ट मंगाया था हेयर लाइन, मुझे यहाँ से लग ये दिख रहा है ना, ये चीज दिख रही है, ये चीज दिख रही है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने ये एक रील्स में देखा था इंस्टाग्राम पे, जहां पर एक लड़की इसको यूज कर रही थी, तो मैंने तुरंत मीशो पे देखा और मैंने मीशो से मंगा लिया। अब मैं इसको ट्राई करूंगी और ट्राई करके आपको उसका रिव्यू जरूर दूंगी, रिव्यू में सेम ही आपको दूंगी कहां पर, शॉर्ट में। तो अभी मैं इसको खोल रही हूँ और इसके अंदर से कुछ ये एक ब्रश निकला है स्पूली टाइप, जो हम इसको ब्लेंड करने के लिए यूज करते हैं, हम मस्कारा के लिए यूज करते हैं, एक स्पूली मुझे मिली है। और प्रोडक्ट है लिपस्टिक की शेप में कुछ है, लाइक लिपस्टिक जैसा दिख रहा है। ये कलर मैंने मंगवाया था इसका ब्राउन, सॉरी ब्राउन कलर का बॉक्स है ये, कलर लेकिन ब्लैक है, लेकिन प्रोडक्ट बहुत कम लग रहा है इसमें गाइस। एक ना ये चीज ही हुई है, ये ब्लेंड करने का, लाइक जैसे स्पंज होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी ब्लेंडर टाइप ऐसा कुछ है प्रोडक्ट इसके अंदर है। इसको हम ऐसे निकाल के मैं यूज करके दिखा देती हूँ अभी आपको। बढ़िया है, बट इसको मैं बंद कर रही हूँ अभी और मैं इसको अच्छे से यूज करके आपको बाद में इसका रिव्यू जरूर दूंगी, रिव्यू सबके मिलेंगे आपको शॉर्ट्स में। तो इसके अंदर अब कुछ भी नहीं है, खाली है, ये निकला है और एक स्पूली मिली है। स्पूली से शायद हम काम कर सकते हैं, ये अपने बेबी हेयर को काम कर सकते हैं। और ये हो गया फर्स्ट कंप्लीट, चलते हैं हम नेक्स्ट। तो गाइस नेक्स्ट सेम बॉक्स है वो, सेम साइज वाला, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। मैंने एक्चुअली ये सामान मंगवाया था, बहुत टाइम हो गया है,
और क्योंकि ना आगे पीछे आते हैं, ऐड टू कार्ड करने का भी कोई फायदा नहीं। ऐड टू कार्ड कर दो, ऐड टू कार्ड करने के बाद भी सारा सामान अलग अलग ही आता है। पहले मुझे लगता था कि अगर ऐड टू कार्ड करके हम ऑर्डर करेंगे ना तो सारा सामान एक साथ आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐड टू कार्ड करके भी सामान सारा अलग अलग ही आता है। तो मैंने ये मंगवाए थे कंसीलर, एक मैंने मंगवाया था आईवी कलर और एक मैंने मंगवाया था ऑरेंज करेक्टर, क्योंकि मेरे पास ये खत्म हो गया है। एक्चुअली मैंने ये पहले यूज किया हुआ है, तो तब उसका जो रिस्पॉन्स था अच्छा था। मुझे मीशो पे बहुत ही रीजनेबल रेट मिला है, रेट आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा, रीजनेबल रेट मिला है, इसलिए मैंने तुरंत परचेस कर लिया। अब इसको मैं यूज करके देखूंगी कि अगर इसका रेट कम है तो क्या ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है, तो इसका रिव्यू भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो दो की अनबॉक्सिंग हो गई है, चलते हैं थर्ड की तरफ। तो थर्ड भी जो बॉक्स है ना ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है मुझे। नहीं, ये वाला छोटा है, देखो ये वाला छोटा है, तो ये वाला पहले अनबॉक्सिंग करते हैं इसमें क्या है। एक तो मैं ऑर्डर करती हूँ ना, मैं खुद भूल जाती हूँ थोड़े टाइम के बाद कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। अनबॉक्सिंग करने के बाद ही याद आता है कि अरे हाँ ये भी ऑर्डर किया था। मैंने ये मंगवाया था, चारकोल मास्क मैंने मंगवाया था। ये भी मुझे बहुत ही रीजनेबल रेट पर मिल रहा था, जो मैं लोकल मार्केट से, मैं इसको पहले पहले यूज किया हुआ है, बहुत साल पहले मैंने ये यूज किया है। जो लोकल मार्केट में इसका रेट मिलता है ना गाइस, वो रेट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम रेट पर मुझे ये मिला है। रेट यहाँ पर शो हो जाएगा आपके पास। एंड इसके साथ मुझे एक मिला है आइसक्रीम मास्क मुझे मिला है इसके साथ, और ये कॉम्बो था, एक्चुअली ये कॉम्बो था। ये भी मैंने एक मंगवाया है ग्रीन मास्टिक, आपने शायद, आपको पता होगा ये क्या है, मैं दिखाती हूँ आपको ओपन करके। जिनके बहुत सारे वो होते हैं, ये तीनों चीजें चाइनीज है ये तीनों चीजें। मास्क मैं ये यूज कर चुकी हूँ, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये मैंने बहुत बार यूज किया है। बट ये दोनों चीजें मेरे लिए बुरी नहीं है, प्रॉपर नहीं है। ये एक्चुअली क्या है, जिनके ब्लैकेट्स होते हैं, ब्लैकेट्स को लगा के रखो, मैंने ऐसा वीडियोस में देखा है, एक्चुअली मैंने कभी यूज नहीं करा है इसको। ये स्टिक टाइप है, इसको लगा के रखो फेस पर लाइक 10 मिनट, और सारे जो पोर्स है ना वो क्लोज हो जाते हैं, मैंने ऐसा देखा है। तो ये कुछ इस टाइप का मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। इस तरह से हमें इसको अप्लाई करना है अपने फेस पे, और अभी मैं चेक कर लूंगी इसको कितने दिन, कितने टाइम इसको फेस पे रखना है, तब जाके ये ठीक होगा। जो हमारे वो होते हैं ना, क्या होते हैं यार, ब्लैकेट्स जो होते हैं वो रिमूव होंगे। तो मैं ये ट्राई करके आपको बताऊंगी, इसका रिव्यू भी मैं आपको दे दूंगी, सेम शॉर्ट्स में ही रिव्यू दूंगी। और ये जो है, ये देख लेते हैं एक बारी, ये कुछ जेल टाइप में ही है, तो उसको भी हम ट्राई करके देखेंगे, और इसका रिस्पॉन्स मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। मैं सब यूज करने वाली हूँ, सब कुछ यूज करने वाली हूँ, सब कुछ यूज करने के बाद आपको सबका रिव्यू शेयर करूंगी, पक्का प्रॉमिस। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कॉमेंट करना है, और मेरा कोई भी व्लॉग, कोई भी शॉर्ट मिस नहीं करना प्लीज। हो गए हैं 3 पैकेट अनबॉक्सिंग, अब हम चलते हैं नेक्स्ट 4 पैकेट की तरफ, और वो है ये। तो देख लेते हैं इसके अंदर भी क्या है, फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं। गाइस ये जो मैंने कॉम्बो मंगाया है, कॉम्बो के अंदर क्या था, ये छोटा सा एक स्ट्रेटनर हेयर स्ट्रेटनर था, और इसके रिव्यू बहुत अच्छे थे तो मैंने मंगवाया था। ये भी बहुत रीजनेबल प्राइस है, और प्राइस ये रहा आपके सामने। तो मैंने ये कॉम्बो जो था ना गाइस, ये मुझे मिला है, एक हेयर स्ट्रेटनर मिला है, ये मुझे एक पेन लाइनर मिला है जो लोकल मार्केट में बहुत सस्ता मिल जाता है, तो बट मैंने इसके साथ ले लिया, ठीक है मेरे पास खत्म हो गया था तो मैंने ले लिया। और इसके साथ मैंने एक कॉम्बो मंगवाया है लिपस्टिक का, लेकिन ये लिपस्टिक कैसी आई है यार, ये कलर मेरे है ही नहीं। मैंने जो कलर मंगवाए थे ना,
मैंने कलर न्यूड कलर मंगवाए थे यार यार मीशो यही करता है ना, कभी कभी दिमाग खराब होता है सच्ची। अरे यार शिट। तो गाइस इन दोनों में से मुझे, मैं अभी से बता रही हूँ इसके रिव्यू तो मैं बता देती हूँ, ये सबसे बेकार है। मुझे ये कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, डार्क कलर मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं सिर्फ, मुझे हमेशा न्यू कलर अच्छे लगते हैं, और डार्क कलर में मैं सिर्फ एक ही कलर यूज करती हूँ, या तो रेड या सिर्फ रेड। तो गाइस ये मेरे कलर बिल्कुल भी नहीं है, मुझे नहीं पता मैं इसका क्या करने वाली हूँ। अब कॉम्बो है तो कॉम्बो की वजह से मुझे रखना पड़ेगा, वरना मैं इसको सबसे पहले वापस करती। अब हेयर स्ट्रेटनर हम खोलते हैं, ये एक मिनी हेयर स्ट्रेटनर है। एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास है एक हेयर स्ट्रेटनर पर वो बहुत बड़ा है, उसको कैरी करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मुझे एक चाहिए था छोटा, जो मैं बैग में अपने लाइक क्लच क्लच में नहीं, अपने बैग में कैरी कर सकूं। तो ये मुझे मिला है, और इसके रिव्यू मैंने बहुत देखे हैं, बहुत अच्छे थे इसके रिव्यू। तो ये इसकी वायर है, वायर तो काफी लंबी है। ये प्लेट है इसकी, एंड ये भी हम यूज करके ही बताएंगे गाइस। इधर इसका बटन है ऑन ऑफ का, ठीक है। अभी तक तो ठीक ही लग रही है, एक बार यूज करके जरूर बताऊंगी मैं आपको, उसका रिव्यू जरूर दूंगी। और ये पेन लाइनर है, ये पेन लाइनर बहुत ही रिजनेबल रेट पर मिलता है लोकल मार्केट से भी, बट क्योंकि मुझे ये कॉम्बो मिल रहा था तो मैंने परचेस कर लिया। अब इसमें से मुझे ये चीज पसंद नहीं है, ये दोनों तो अभी तक ठीक लग रहे हैं, देखते हैं। अगर ये भी मुझे समझ में नहीं आएगा ना, मैं इसको रिफंड कर दूंगी, आई मीन रिटर्न कर दूंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पैकेज की तरफ। तो नेक्स्ट पैकेट है गाइस ये, और इसकी अनबॉक्सिंग मैं पहले से ही कर चुकी हूँ, और इसकी अनबॉक्सिंग मुझे करना जरूरी था क्योंकि इसका जो टाइमिंग था ना, इसका रिटर्न टाइमिंग वो बहुत ही कम दिनों का था, लाइक 3 डेज का, क्योंकि मैंने इसको अनबॉक्सिंग कर लिया। और अनबॉक्सिंग करने के बाद मुझे ठीक ठीक लगा। ये एक्चुअली क्या है, ये है स्टोरेज बैग, स्टोरेज बैग है ये। इसके अंदर, ये मैंने क्यों मंगवाया, जो मेरी कबर्ड है ना बहुत ज्यादा मैसी हो गई है, क्यों, कपड़ों की वजह से। कपड़े बहुत ज्यादा हैं, ऐसे कपड़े हैं जिसको ना पहन सकते हैं ना फेंक सकते हैं, आई मीन ना किसी को दे सकते हैं, बट ठीक है थोड़ा सा स्लिम ट्रिम हो जाएंगे फिर जरूर पहनेंगे। तो ये जो स्टोरेज बैग है ये इस तरह का है, ये तो ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन है, कुछ बैग है इसके अंदर हम कपड़े रख सकते हैं, इसको पैक करके रख सकते हैं। ये इधर जिप दी हुई है इसके अंदर, ये जिप दी हुई है, कोई भी कपड़े हम रखेंगे हमें पूरा बैग खोल के देखने की जरूरत नहीं है, कपड़े यहीं से शो हो जाएंगे, इसलिए मुझे ये बैग अच्छा लगा। एंड ये जो पैकेट है ये 4 का पैकेज है, 4 का है, कितने का है, नहीं 3 का है, सॉरी गाइस, हाँ 3 का है ये। 3 मुझे बैग इसमें मिले हैं, 1, 2 और 3। तो ये मुझे जरूर चाहिए थे, मुझे एक्चुअली काफी टाइम से चाहिए थे क्योंकि मेरी कबर बहुत मैसी हो गई है। मैं उसका एक छोटा सा क्लिप यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगी, अपनी कबर का बिफोर एंड आफ्टर पिक जरूर आपके साथ शेयर करूंगी, और उसका प्राइस भी आपको इधर शो हो जाएगा, पता लग जाएगा। अगर आपको परचेज करना मंगवाना हो तो आप मंगवा लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट अनबॉक्सिंग की तरफ है ये। तो गाइस इसमें क्या है, इसमें भी ऐसे कुछ बैग बैग ही हैं मेरी कबर्ड के लिए। एक्चुअली मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े जो कबर्ड में रहते हैं ना बहुत मैसी हो जाते हैं, मैं साफ करती हूँ, मैं मैनेज करती हूँ, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा नहीं टिकते हैं। एंड ये मैंने मंगवाया अपने हस्बैंड के लिए, अपने हस्बैंड की शर्ट्स के लिए, क्योंकि ये शर्ट्स के लिए ही है आई थिंक। बाकी मैं जब सेट करूंगी ना तब मैं देखूंगी कि मैं इसमें क्या रख सकती हूँ। मंगवाया मैंने अपने हस्बैंड के लिए ही, आज मैं अपने हस्बैंड के कपड़ों के लिए ही है। तो इसमें है 1, 2, 3, 4, इसमें 4 पैकेट हैं। अब मैं आपको इनमें से एक ओपन करके दिखा देती हूँ ये कैसा है। गाइस इसमें ना 2 चीजें हैं, ये कुछ दे रखा है और ये ऐसे खुलेगा, ये कैसे लगेगा, तो ये कबर्ड में आएगा ऐसे।
और इसके अंदर क्या आएंगी, शर्ट्स। आप शर्ट्स इसके अंदर असेंबल कर सकते हो, शर्ट रख सकते हो, ऊपर से आपको कोई भी शर्ट निकालनी हो आप कपड़े उठाकर शर्ट निकाल सकते हो। और शायद ये इसकी कैप है या ऐसा कुछ है, या आई डोंट नो, जब मैं सेट करूंगी तब देखूंगी क्या है ये क्या नहीं। आई थिंक इसकी कैप ही है ये। तो जब मैं इसको असेंबल करूंगी, असेंबल करने के बाद मैं इसका बिफोर आफ्टर जरूर आपके साथ शेयर कर दूंगी। एक्चुअली यहीं शेयर कर दूंगी, ये रहा इसका बिफोर, ये रहा इसका आफ्टर। तो गाइज अगर आपको ठीक लग रहे हो तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी मैं तो जब इसको यूज करूंगी तभी पता लगेगा कि ये क्या रिव्यू है, इसका कैसा रिव्यू है। बट मैंने अभी तक जो देखे हैं ना इसके मीशो पे रिव्यू, जेन्युइन रिव्यू विद फोटो विद इमेज, तो वो अभी तक के अच्छे ही हैं। और ये मुझे चाहिए थे, इसको मैं जैसे तैसे इसको मैं सेट कर ही लूंगी अपनी कबर में, क्योंकि बहुत ज्यादा मैसी हो रही है, बहुत ज्यादा मैसी हो रही है। एंड चलते हैं नेक्स्ट अनबॉक्सिंग की तरफ। नेक्स्ट जो अनबॉक्सिंग है ना गाइस, नेक्स्ट अनबॉक्सिंग एक्चुअली मैं पहले ही कर चुकी हूँ, और उसमें से मैं कुछ चीजें, आई मीन दो कुर्ती मैं यूज कर चुकी हूँ। और वो जो कुर्तियां हैं वो है ये दोनों, ये कुर्ती मैं यूज कर चुकी हूँ। तीन कुर्ती मैंने यूज नहीं करी है, एक दो तीन, ये तीन का सेट था कि छह का, पांच का सेट था कि ये एक्चुअली पांच का सेट था। तो ये गाइस मुझे जो पड़ा है ना फाइव कुर्ती का सेट, ये मुझे सिर्फ पड़ा है सिक्स और नहीं 700 रुपीज का पड़ा है। तो मुझे बहुत ही रीजनेबल रेट पर ये कुर्तीज मिल गई हैं। और ये जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा कुछ है क्रीप का है, तो क्रीप के जो कपड़े मैंने काफी डीप पहने हैं, मुझे इसकी एक चीज अच्छी लगती है, ना तो ये श्रिंक होता है ना इसका कलर फेड होता है। जब तक आप अपने हाथों से इसको रिजेक्ट नहीं करोगे, नहीं हटाओगे, ये कपड़ा कहीं नहीं जाने वाला। बस इसमें एक इशू है, इसका ये जो नेक है ना, ये नेक में अंदर से यहाँ पे तुरपाई होती है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये ऐसे बार बार बाहर निकल जाता है। इसको तुरपाई कर लेंगे तो ये बेस्ट हो जाएगा। एक है ये और दो तीन चार पांच, तो ये पांच कुर्तीज का सेट है गाइस जो मुझे मीशो से मिला है। और इसका रिस्पॉन्स हो क्या मैं बताऊं, इसका रिस्पॉन्स सुपर्ब है, सुपर से भी ऊपर है इसका रिस्पॉन्स। तो ये कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो गाइस अनबॉक्सिंग हो गई है कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर गाइस आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो, मेरा ये अनबॉक्सिंग वाला व्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी अगर चीज हो आपको व्लॉग के रिगार्डिंग शेयर करनी हो, लाइक मुझे ये ऐड करना चाहिए था, ये ऐड नहीं करना चाहिए था, तो गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। किसी भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए होगा कमेंट में मुझे बताना, मुझे कमेंट करना, मैं आपको जो भी शॉर्ट अपलोड करूंगी इसका, जो रिव्यू अपलोड करूंगी, हर रिव्यू में हर शॉर्ट में मैं इसका लिंक डाल दूंगी। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।